जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और धनु राशि के राशिफल में धन, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप धनु राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर धनु राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। चलिए मित्रों, पहले जून महीने के ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं कि जून के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहेगी। तो सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में रहेंगे और इससे पहले वो वृषभ राशि में अपना गोचर करेंगे और मंगल 27 जून से मेष राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 27 जून तक उनका गोचर मीन राशि में रहेगा। और बुध पूरे महीने यानी पूरे जून के महीने में वृषभ राशि में ही अपना गोचर करेंगे और गुरु का गोचर जून के पूरे महीने मीन राशि में ही रहेगा। और शुक्र 18 जून से वृषभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे, इससे पहले उनका गोचर मेष राशि में रहेगा। और शनि देव का जो गोचर है वो पूरे महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे, यानी जून के महीने में शनि देव का गोचर कुंभ राशि में ही रहने वाला है। राहु का गोचर जून के महीने में मेष राशि में रहेगा और केतु का गोचर तुला राशि में पूरे महीने रहेगा। और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी जून के महीने में। तो चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले धनु राशि वालों के कैरियर की बात करेंगे, यानी कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो दशम भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर पूरे महीने छठे भाव में रहने वाला है, वृषभ राशि में रहने वाला है। तो देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय रहेगा और दशम भाव के स्वामी बुध का छठे भाव में गोचर होगा, वहाँ पर सूर्य भी आएंगे जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और 15 जून तक वहीं पर रहेंगे और 15 जून के बाद में उनका गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा, मिथुन राशि में हो जाएगा और वहां से वो आपकी राशि को यानी प्रथम भाव को धनु राशि को दृष्ट करेंगे। तो देखा जाए तो 15 जून तक नौकरी वालों के लिए अच्छा समय है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहसी रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे और नौकरी को लेकर आपके मन में जो चिंताएं चल रही थी वो दूर होंगी। और आप अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं तो अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में आपका सहयोगियों का साथ आपको मिलेगा, बॉस के संबंध अच्छे रहेंगे और दशम भाव पर बृहस्पति और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने रहने वाली है और जो मंगल की दृष्टि है वो 27 जून तक रहने वाली है, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा क्योंकि मंगल जो है आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और बारहवें भाव के स्वामी हैं। तो अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। और जो आपके गुरु हैं जो चौथे भाव के स्वामी हैं, आपके राशि स्वामी भी हैं, उनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी, तो इसलिए आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी दोनों में ही अच्छी सफलता मिल सकती है। आपकी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी, काम के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता है वो देखकर आपके बॉस वगैरह आप पर खुश रहेंगे और इससे आपको फायदा मिलेगा और आपके सहयोगियों में ईर्ष्या की भावना थोड़ी सी रहेगी, इसलिए आप अपने सहयोगियों के साथ बातचीत बनाकर चलें और जो आपके करीबी लोग हैं ऑफिस में वही आपके खिलाफ हो सकते हैं, तो इसलिए इस बात की सावधानी रखें और आप अपने सहयोगियों के साथ अपनी बातचीत बनाकर रखें। और कोई जो नौकरी बदलना चाहते हैं उनको नई नौकरी का भी प्रस्ताव इस समय पर मिल सकता है, लेकिन सोच समझकर ही बदलें क्योंकि नौकरी बदलने का निर्णय आप अच्छे से सोच कर लें, कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। और जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, उनको नौकरी मिल सकती है, उनको मनपसंद नौकरी मिलने का चांस रहेगा और व्यापार कर रहे लोगों के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा अप एंड डाउन अवश्य देखने को मिलेगा क्योंकि छठे भाव में जो ऋण रोग शत्रु का भाव है, कंपटीशन का भाव है, उसमें आपके दशम भाव के स्वामी का गोचर रहेगा।
इसलिए इस समय पर व्यापार में आपको थोड़ा कंपटीशन भी झेलना पड़ेगा और संघर्ष तो हो ही सकता है। सप्तम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी तो आपका व्यापार अगर पार्टनरशिप में है तो आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ अहम के चलते व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है, क्रोध के चलते आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना है। तो व्यापार कारोबार और नौकरी में धनु राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए आपके धन की बात करते हैं। धन भाव की बात करें तो मकर राशि है, स्वामी शनि है और धन भाव के स्वामी का जो गोचर है वो आपके तीसरे भाव कुंभ राशि में होगा और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है, तो मिला जुला परिणाम रहेगा क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी का गोचर आपके तीसरे भाव में हो जाएगा और आय भाव के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र और शुक्र का जो गोचर है वो 18 जून से वृषभ राशि में, वो भी छठे भाव में चले जाएंगे। इससे पहले वो मेष राशि में रहेंगे लेकिन वहाँ पर राहु के साथ रहेंगे, केतु की दृष्टि रहेगी, तो धन के मामले में थोड़ा सा आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। सामान्य से ही परिणाम मिलेंगे, मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जून के महीने में मेहनत करेंगे तभी आपको धन लाभ होगा और भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं जिनका 15 जून तक वृषभ राशि में है और 15 जून के बाद वो सप्तम भाव में आएंगे, तो 15 जून के बाद आपको भाग्य का साथ ज़्यादा मिलेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है इस समय पर और नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ मिल सकता है, व्यापार कारोबार से भी लाभ मिल सकता है, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी का तीसरे भाव में जाना और जो आपके आय भाव के स्वामी शुक्र हैं उनका राहु के साथ रहना और उसके बाद छठे भाव में जाना आपको अनावश्यक खर्चों से परेशानी हो सकती है, इसलिए आप बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों से बचें। ये समय आपका इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो व्यापार में सोच समझ कर ही धन लगाएं और कोई भी विस्तार करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करके और सोच समझ कर और अपने बड़ों या विशेषज्ञों की राय लेकर ही आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए इस समय पर निवेश करने के लिए। तो धन के मामले में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे और सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। चलिए स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का जो गोचर है वो 18 जून से अपनी ही राशि वृषभ राशि में आ जाएगा और इससे पहले वो मेष राशि में राहु के साथ रहेंगे, तो पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान अवश्य ही रखना पड़ेगा। और जब वो 18 जून से वृषभ राशि में आ जाएंगे उस समय पर आपको छोटी मोटी बीमारियों से तो मुक्ति मिलेगी ही और अगर गंभीर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें भी आराम देखने को मिलेगा। और 15 जून तक सूर्य और बुध की युति वहाँ पर रहेगी जो कि आपके दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा लेकिन आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा और पेट से जुड़ी समस्याओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपको सलाह है कि आप योग और व्यायाम नियमित करें और आप अपने खाने का विशेष रूप से ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें और अगर तनाव होता है तो ध्यान अवश्य करें और काम से समय निकाल कर थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान देना जरूरी होगा और अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं तो हो ही सकती हैं और अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो आप कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखें। कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या के चांस तो नहीं दिख रहे हैं पर फिर भी सामान्य और मिले जुले परिणाम ही स्वास्थ्य के मामले में दिख रहे हैं धनु राशि वालों के। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल का गुरु के साथ गोचर है। विद्यार्थियों के लिए 27 जून तक का समय बढ़िया है लेकिन पंचम भाव में राहु का गोचर है, केतु की दृष्टि है, गलतफहमियां आपके मन में रहेंगी, मतलब मन आपका एकाग्र नहीं हो पाएगा पढ़ाई के लिए। आप चाहेंगे कि हम पढ़ाई करें लेकिन आपका मन भटक जाएगा, आप इधर उधर समय निकाल देंगे, इधर उधर समय खराब कर देंगे पर आप पढ़ाई में अपना समय नहीं लगा पाएंगे। ऐसा कुछ विद्यार्थियों के लिए परिणाम रहेगा ये जून के महीने में क्योंकि सिर्फ 3-4 दिन ही गोचर मेष राशि में है और वहाँ पर भी राहु हैं, बाकी गुरु के साथ है, तो 27 जून तक जो गुरु के साथ है वहाँ पर आप अच्छा करने का प्रयास करें तो आप वहाँ पर कर पाएंगे लेकिन पंचम भाव में राहु के गोचर होने के कारण आप में एकाग्रता की कमी देखी जाएगी। तो आप कोशिश करें, एकाग्र करें अपने आप को तो ही पढ़ाई में आपका अच्छा परिणाम मिल पाएगा, नहीं तो आप इस महीने आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जो लोग किसी कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 18 जून से 30 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर है। 18 जून से उनका मन पढ़ाई में लगेगा और 18 जून के बाद अगर उनका एग्जाम होता है और अच्छे से मेहनत की है तो परिणाम भी उनको अच्छे मिल सकते हैं। चलिए धनुराशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं
और मंगल 27 जून तक गुरु के साथ हैं और फिर 3 से 4 दिन के लिए वो मेष राशि में राहु के साथ आएंगे, लेकिन राहु पूरे महीने पंचम भाव में रहेंगे, इसलिए प्रेम संबंधों के मामले में सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी मंगल अपने से 12वें भाव में यानी मीन राशि में गोचर करेंगे 27 जून तक, तो वहाँ पर भी प्रेम के मामले में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र भी रहेंगे 18 जून तक और राहु की युति रहेगी और शुक्र जो है आपके 6ठे भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेम संबंधों के मामले में धनु राशि वालों को इस महीने अप एंड डाउन देखने को अवश्य ही मिलेंगे और किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से प्रेम संबंधों में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो इस समय किसी बाहरी व्यक्ति की बातों को ना माने। अगर प्रेमी प्रेमिका के बीच कोई भी व्यर्थ का वाद विवाद होता है तो आपस में ही उस समस्या का हल करें, गलतफहमियां ज़्यादा हो सकती हैं वो ना होने दें, इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। सप्तम भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर आपके वृषभ राशि में रहने वाला है पूरे महीने जून के, तो वृषभ राशि में 6ठे भाव में गोचर रहेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और शादीशुदा लोगों को इस समय पर अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ का वाद विवाद ना करें, क्योंकि वहां पर 15 जून से सूर्य भी आएंगे तो अहम का टकराव भी संभव हो सकता है, हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा। और आपके राशि स्वामी का जो गोचर है वो 4थे भाव में है, तो आपको परिवार के सदस्यों की तरफ से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जीवन साथी एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाकर रखें और अपने प्रत्येक काम में जीवन साथी का पूरा सहयोग लें, इसकी वजह से आपको काम में भी सफलता मिलेगी और लंबे समय से अगर कोई आपने अपने जीवन साथी से बात छिपा रखी है तो इस समय पर आप अपने जीवन साथी को शेयर करें और उनके साथ कुछ अच्छा वक्त बिताएं और हो सके तो कहीं घूमने फिरने जाएं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए धनु राशि वालों के पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सामान्य सा दिख रहा है पारिवारिक जीवन, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि का गोचर 3रे भाव में रहेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ कहीं कोई यात्रा का प्लान कर सकते हैं या यात्रा पर आप जा सकते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल भी अच्छा रहेगा। इस समय पर आप बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें और दूसरों को भी परिवार में प्रेरित करें कि वो बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें और अगर कोई भी बात घर में कड़वी होती है तो उसमें बड़ों की राय अवश्य लें, बड़े बुजुर्गों को बीच में जरूर डालें और घर के जो सदस्य हैं उनके प्रति भरोसा रखें और अगर कोई भी बात होती है तो स्पष्ट रूप से अपने बड़ों के साथ बैठकर उस बात को हल करें तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके दूसरे भाव के स्वामी शनिदेव का गोचर 3रे भाव में है, इसलिए भाई बहनों से आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और उनका भरपूर समर्थन आपको मिलता रहेगा। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी गुरु हैं, 4थे भाव में गोचर भी है, तो प्रतिदिन आप अपने मस्तक पर केसर चंदन का तिलक लगाएं, काफ़ी अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, हर गुरुवार को करें, नहीं कर सकते हैं तो सुने, उससे भी लाभ मिलेगा। और रविवार के दिन सूर्य को गुड़ और लाल फूल डालकर जल में उस जल को सूर्य भगवान को अर्पित कर दें, तो रविवार के दिन ये काम करें, काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अगर कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, तो उसको भी करें तो काफ़ी अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो सुने, तो उससे भी लाभ मिलेगा आपको। तो इनमें से जो भी उपाय कर सकते हैं कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये धनु राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।